नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम द्वारका सेक्टर 1 की रेड लाइट के पास मौजूद है, जहां एक गोलीकांड हुआ है। जब आप द्वारका मोड़ से सेक्टर 1 की रेड लाइट की तरफ आते हैं तो रेड लाइट से ठीक पहले ये मामला सामने आया है और अभी थोड़ी देर पहले ही घटना है। हो सकता है इंडिया टाइम 24 न्यूज़ सबसे पहले इसको कवर कर रहा हो। और ये जो बताया जा रहा है, एक वकील को गोली मारी गई है। वाइट कलर की अर्टिगा गाड़ी में वो जा रहा था और पीछे की तरफ से बदमाश आते हैं। स्कूटी पर बैठकर दो बदमाश होते हैं और दो फायरिंग होती है। पहली फायरिंग शीशा तोड़ने के लिए हुई है और दूसरी फायरिंग उसको मारने के लिए जबकि है, तो चेस्ट पे उसको, हार्ट पे गोली लगी है वकील को और ऑन द स्पॉट बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। और यहीं मेरे लेफ्ट साइड में मणिपाल हॉस्पिटल है, यहाँ उसको जो है लेकर जाया गया। एक बार कैमरा मैन से कहूँगा दिखाए कि यहाँ उस वकील को घायल अवस्था में लेकर जाया गया और जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। 4 बजे के करीब की ये घटना है। उसके बाद देखिए, ये जो स्पॉट है उसको बैरिकेड कर दिया गया है और तमाम पुलिस की टीमें यहां मौजूद हैं, जांच कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। हालांकि बदमाशों को भी पकड़ा नहीं जा चुका है। फायरिंग करने के तुरंत बाद बदमाश यहां से फरार हो गए। लंबा जाम लगा हुआ था, किसी ने पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी दी और पुलिस जब यहां आई तो देखा कि एक व्यक्ति जिसको गोली लगी है वो गाड़ी के अंदर ही पड़ा हुआ है और उसी वक्त बताया जा रहा है कि उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसे मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया और वो व्यक्ति एक एडवोकेट था। गाड़ी पर एडवोकेसी का जो है स्टिकर भी लगा हुआ था। ऑन द स्पॉट की डेथ हो गई। पटियाला कोर्ट से वो वकील था। क्या था पूरा मामला, इस पर पूरी पुलिस जांच कर रही है। क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी या फिर क्या था पूरा मामला, इस पर तमाम पुलिस की जो टीमें वो जांच कर रही हैं। यहाँ DCP भी पहुँचे हुए हैं और इसके अलावा कई सारी टीमें पुलिस की आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हैं। और बहुत ही दर्दनाक ये मामला है और कुछ ही देर पहले की ये खबर है जो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको दिखा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।